हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताबालम। दोस्तों, आज मेरे पास एक ड्रोन जो कि इस बैग में है और इसका मॉडल है DJI Phantom 4 Pro। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 1,73,000 रुपये पड़ा था जब ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम की बात है। अगर अभी आप मार्केट में जाके लेंगे तो 1,65,000 के आसपास में पड़ जाएगा। तो बहरगैफ, बिना वक्त ज़ाया किए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं और फ्लाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, इस बैग में है ड्रोन और अब हम इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इस बैग का जिप खोलते हैं, उसके बाद ये निकल के आ गया DJI Phantom 4 Pro। ये दोस्तों, ये है ड्रोन, इसे हम रखते हैं यहां पे। और ये है चार्जर और ये है ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर और ये है ड्रोन का विंग्स यानी पंखी और ये चार्जर केबल है, ये विंग्स और दोस्तों ये है ड्रोन का बैटरी, दो दो बैटरी है ताकि एक डाउन हो जाने के बाद दूसरा काम में आ सके, ठीक है। और ये है इसका केबल, एक्स्ट्रा केबल है ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। चलिए, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। ये है विंग्स, इसमें कलर देख के लगाया जाता है, सिल्वर का सिल्वर में और ब्लैक का ब्लैक में, ठीक है। तो चलिए पहले लगा लेते हैं। हो गया, और सिल्वर वाला। और ये याद रखें दोस्तों, इसको पुश करके लगाना पड़ता है, मतलब पुश किए, ठीक है। इसको फिर इधर फिट कर देते हैं, इसको ज़्यादा नहीं पुश करके फिर राइट में घुमा दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करना ये होता है कि रिमोट कंट्रोलर में मोबाइल सेट करना होता है और एक एप्लीकेशन के माध्यम से सब चीज़ ऑपरेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम मोबाइल सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल सेट करके ये सीधे हम डायरेक्टली पुश कर देंगे, हो गया सेट। चलिए, और ये जो केबल है दोस्तों, इसको मोबाइल के साथ अटैच किया जाता है। यहाँ पे हम, सॉरी गिर गया, शायद ठीक से अटैच हुआ नहीं था इसलिए हम इसे फिर से अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और इस केबल को फोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हो गया। तो चलिए हम ड्रोन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें पावर बटन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि एक बार बटन दबा के फिर सेकेंड टाइम में लॉन्ग टाइम प्रेस करना है जब तक ये ऑन ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ऑन हो गया। अब इस रिमोट कंट्रोलर में हमें क्या करना है, ठीक वैसे ही करना है, वही प्रोसेस जैसे हम ड्रोन के साथ किए थे। पावर बटन एक बार दबा के फिर सेकेंड टाइम में लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। ये देखिए, हो गया। तो दोस्तों, इसे हमें ऑपरेट करने के लिए पहले इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब हम इसे उड़ाते हैं। Yeah.
दोस्तों ये जो काम करता है जीपीएस से काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका रेंज उतना ही तक जाता है जितना पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी हेलीकॉप्टर ट्रेवल करती है जितनी हाइट से, उतना हाइट तक तो ये आराम से पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।